हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं सुमित कुमार। आप में से कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि आपने पल्सर आरएस 200 के इस बैकलाइट को कैसे इंस्टॉल किया, तो आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक और पल्सर आरएस 200 तो है नहीं, और मैंने अपने पर्सनल बाइक पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो अब मैं उसे मतलब खोल तो नहीं सकता एक्चुअली, काफ़ी मतलब आपको मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं उसे खोलना चाहता। पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपको, अगर आप इस तरह से बैकलाइट को इंस्टॉल करना चाहते हो विथ टर्न लाइट, तो आप कैसे करोगे, आप समझ जाओगे इस वीडियो को देख के। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है बैकलाइट को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पल्सर आरएस 200 का बैकलाइट है जो कंपनी की तरफ से इस तरह से आती है। और आपको करना कुछ नहीं है, बस जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैकलाइट के पास, यहाँ पर इसके नीचे, इसके पीछे साइड दो स्क्रू होंगे और दो स्क्रू इसके पीछे साइड होंगे। आपको इन दोनों स्क्रू को खोल देना है, यहाँ भी दोनों, और ये टर्न लाइट है, इसके पीछे साइड भी दो मतलब वोल्ट होंगे, उन्हें आपको खोल देना पड़ेगा, खोलना होगा दोनों तरफ से। उसके बाद ये जो नीचे देख रहे हैं, ये इसका जो स्टैंड फ्रेम जो है, इसे जो इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे तीन स्क्रू हैं, वो भी काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया गया, ताकि किसी भी मतलब नॉर्मली वो खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे तीन स्क्रू जो हैं वो आपको खोलना होगा इसके नीचे, ओके, आप समझ रहे हैं ना। और इन तीनों को खोलने के बाद ये पूरा का पूरा जो सेट है ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसके बैक सीट को खोलना है, इसे आप यूं खोल लेते हैं। नेक्स्ट, ये जितने भी स्क्रू आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये आपको खोलने होंगे, ये भी, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा आपको खोलना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह, ये एक स्क्रू है और एक स्क्रू इस तरफ है और एक ये रहा। तो ये तीनों स्क्रू खोल देने के बाद आपका वो पूरा जो बैकलाइट का फ्रेम है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। इस पूरे सेट को आप देख रहे हैं ना, ये पूरे सेट को खोलने के बाद ये जो ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, इस पार्ट में आपको इक्वली दो होल करने होंगे इसमें, ये इसे खोल इस पार्ट को खोलने के बाद इसमें इक्वली आपको दो होल करने होंगे नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ भी, ये दोनों साइड। और उसके बाद इसमें जोड़ने के बाद, पहले आप इसे खोलिए, इसे इस पार्ट को खोलिए, उसमें दो होल कीजिए इक्वल, उसके बाद उसमें इस बैकलाइट को लगाइए, उसके बाद स्क्रू आप अंदर की तरफ से स्क्रू कर देंगे तो ये बैकलाइट जो है इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप इसे लगा दो फिर इसे और इसे, ये पूरा सेट को लगा दो, जितने भी वोल्ट्स आपने खोले हुए वो सब मतलब वापस से जैसे लगे थे वैसे सेट कर दो। उसके बाद आती है टर्न लाइट कैसे इंस्टॉल करना है, तो टर्न लाइट आप देख पा रहे हैं, टर्न लाइट को
आप यहाँ सेट करो और इस तरफ, और यहाँ से एक आपको स्टील का फ्रेम लेना होगा, एक स्टील का फ्रेम इस तरफ से जो इसे जोड़े रखेगा, यहाँ से आपको स्टील का फ्रेम लगाना है इसमें और इसमें, और ये दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे, यहाँ पे सेट जाएंगे बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से। और उसके बाद स्टील का जो फ्रेम होगा, एक पतला सा फ्रेम आपको लेना है, एक पतला सा फ्रेम आपको लेना है, और उसे लगा देने के बाद बीच में, मतलब उस स्टील के फ्रेम के बीच में आपको एक, उसमें भी एक होल करना पड़ेगा ताकि आप एक और बोल्ट लगा के उसे टाइट कर सको, ताकि ये हिले नहीं। आप देख पा रहे हैं ये हिल नहीं रहा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे सेट करना है।